अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले नया साल सब भाइयों को मुबारक हो, क्योंकि आज 3 तारीख है। क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना सका, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा, तकरीबन 3-4 दिन हो गए वीडियो नहीं बना रहा था। तो सोचा आज क्यों ना आपको अपने लवर्स की और मुर्गियों की अपडेट दे दूँ। मुर्गियाँ तो फ़िलहाल तो वही खड़ी हुई हैं, क्योंकि नई अपडेट्स तो कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरा जाना नहीं हो रहा मुर्गा लेने के लिए। जब जाऊंगा तो फिर मैं आपको ज़रूर आपके साथ ही हूँगा, क्योंकि अकेले तो नहीं जा सकता, आप लोगों के साथ ही जाऊंगा। तो देख लें, एक मुर्गी ये अंडे पे बैठ गई क्या? तो फालतू में बैठ गई है, अंडे तो आए नहीं है, अंडे नहीं आ रहे। तो अभी हम चलते हैं अपने लवर्स की तरफ, देखते हैं उसकी क्या प्रोग्रेस है। उसकी भी प्रोग्रेस मुझे दिखा रही थी, क्योंकि आजकल सर्दी बहुत हो रही है। आज सुबह ना वीडियो कर यार, उसको जाने दें कि शो कर रहे हैं, उनको भी अभी आना है शो। तो चलो चलते हैं, दिखाता हूँ मैं उसको प्रोग्रेस भी, अपने दिखाता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम। दोनों बाहर निकले हुए, बाहर निकलना मेरे परदों की हॉबी है। मैं दिखाता हूँ आपको, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, दिखाएंगे ये आ गया अंदर। तो माशाल्लाह से अंडे दोबारा लिंक शुरू कर दी है, स्टार्ट हो गई है इसकी लिंक, क्योंकि ये इसका सेकंड कलेज है। अब इसका पहला कलेज को क्या हुआ ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसका पहला कलेज है ये, 4 बच्चे थे, एक डेकिनो था, एक रेड आइस था, एक ब्लैक आइस और एक ये था। ये 4 बच्चे इनके निकले थे, लेकिन बताऊँ इसमें बैड न्यूज़ क्या हो गई। इसमें बैड न्यूज़ ये हो गई है कि ये जो बच्चे जो है ना, ये थोड़े कमज़ोर पैदा हुए हैं, पता नहीं क्यों, ये उड़ने में थोड़े मसला पैदा कर रहे हैं। ब्लैक आइज और ये ब्लैक मूव है, वो फिर भी थोड़ा बहुत उड़ लेते हैं, लेकिन जो डेकिनो और रेड आइज है वो थोड़े कमज़ोर है, वो उड़ना उसको पता नहीं क्या हो गया। और दूसरा पेयर ये आ गया, अब हम आ गए दूसरे पेयर में, दूसरा पेयर ये आ गया। इसके साथ जो ये येलो खड़ा हुआ होगा सामने आप देख रहे हो, येलो एक मिनट साफ हो जाएगा। हाँ, ये जो येलो खड़ा हुआ है ना सब, ये आपको नज़र आता होगा, सूरज की वजह से हो रहा है यार। ये येलो इसका मेल है और ये वाइट ब्लैक आइस अल्बाइनो खड़ी हुई है, ये इसकी फीमेल है। अब इनके ये बच्चे पैदा हुए हैं, देख रहे हो, एक पार्बलू निकला है, ठीक है, और एक जो निकला है ये पार्बलू मेरे ख्याल से शिफ्ट हुआ है, पार्बलू इसका नहीं है, ये मैंने शिफ्ट किया था। और दो ये ग्रीन ऑफलाइन निकले हैं यूविन की तरह। अब ये कौन से हैं ये देखते हैं क्या निकलते हैं। अरे लगते तो मुझे यूविंग की तरह ही है, लेकिन यूविंग नहीं है, क्योंकि क्रॉस में है। और एक इसके साथ ब्लू ऑफलाइन की तरह निकला हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि भी ये चार कलर भी अच्छे हैं और ये सेल भी हो चुके हैं। रही बात इनकी, इनका एक बच्चा मैंने शिफ्ट कर दिया था, जो एक बच्चा निकला था, और इससे दोबारा लेंग स्टार्ट कर दिए। 5-6 बच्चे आ गए। अब ये जो फीमेल है इसका मतलब ये है कि इसकी फीमेल जो है ना स्प्लिटिनो है, और अल्बाइनो सिंपल ब्लैक आइज का मेल है, ठीक है। और भी आते हैं ये हम चौथे पेयर की तरफ, कहाँ गए अंदर है। इस टाइम माशाल्लाह लेंग स्टार्ट जल्दी है, क्योंकि ये नया पेयर मैंने लगाया था, यहाँ से खेलते हैं। इसके 2 अंडे आए हैं, ये फीमेल है फिचरी इनो की और फिशर का मेल है, फिचरी स्प्लिट इनो की फीमेल है और फिशर का मेल है, ठीक है। इसके साथ साथ
ये लगा हुआ है स्प्लिट इनो का फिशरी मेल है, और इसके साथ लगी हुई है अल्बाइनो की फीमेल, या कह सकते हैं। और इसके माशाल्लाह से दो बच्चे हैं, इसके तीन बच्चे निकले थे, तीसरा बच्चा गायब हो गया, एक बच्चा एक्सपायर, उसमें दो बच्चे एक्सपायर हैं और एक बच्चा गया भी था, ये भी नहीं पता चला। ठीक है, इसके साथ साथ वो ऊपर है, उससे तो मैं पहुँच ही सकता। और ये पेयर जो है मेरा अल्बाइनो रेड आइज का, ये स्प्लिट इनो की फीमेल है, इसने भी अंडे नहीं कभी शेयर किए क्योंकि पहले अंडे इसके ख़राब हो गए थे, और ये मेल है इसका। इसके साथ साथ ये स्प्लिट इनो का पार्ब्लू है और उसकी फीमेल है। ठीक है, स्प्लिट इनो की अल्बाइनो का मेल है, इसके भी अंडे अंडे के साथ साथ। और ये क्या हुआ, ये कौन सा है, ये सिंपल प्यार है, अंडे खड़ा होगा बैठा होगा, ये देख रहे हो नज़र आ रहा होगा, ये अंडे हैं तीन, ये आपको नज़र आ रहे होंगे अंडे। ठीक है, ये देखो, ये सिंपल प्यार है, सिंपल पार्ब्लू की फीमेल है और सिंपल चिट्टी का मेल है। इसको क्या हो गया, इसको किसने मारा है, ऊपर मैं पहुंच नहीं रहा, ऊपर के लिए हमें कुर्सी लगानी पड़ेगी, उसके लिए मैं बाद में सर्च करता हूँ। एक ये पेयर है, इसके भी दो बच्चे अपने हैं और दो बच्चे मैंने शिफ्ट किए हैं, और इसमें ये मुझे पता नहीं चला कि इसके बच्चे, एक तो ये फिशरी तो इसका ही बच्चा है, लेकिन जो तीन बच्चे हैं उसमें एक कलर यह है ब्लैक कलर का, यह आप नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, और बाकी है एक पार्ब्लू, और एक पार्ब्लू है और एक ये नीचे स्लेटी कलर का खड़ा हुआ है, नज़र आ रहा होगा आपको। अब ये, अब ये पहचानना बड़ा मुश्किल है कि इनके बच्चे कौन से हैं। चलो, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्योंकि सेल हुए हैं, एक ये पैर मैंने अपना बॉन्ड किया था नया, बिल्कुल भी माशाल्लाह से अंडे दिए हुए हैं, छह अंडे इसके भी हैं। ठीक है, फीमेल अंदर बैठी हुई है, फीमेल की कलर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर है खूबसूरत, ये स्प्लिट इनो की फीमेल है और अल्बाइनो का मेल है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये बच्चे मैंने आपको बता दिए थे किसके हैं, इंशाल्लाह करीब सही हो जाएंगे, देखते हैं जो नसीब मेरे होगा। ठीक है, और है ये, क्योंकि मैंने ज़्यादातर पट्टी अपने घर के पाले हुए हैं, इसकी फर्स्ट ब्रीड है, इसका ये जो फिशरी इनो का मेल है, ये आप देख सकते हैं स्प्लिट इनो है, और इसके साथ ब्लैक आइज की फीमेल लगी हुई है, इसके साथ साथ इसके साथ भी ऐसा ही है, पार्ट ब्लू स्प्लिट इनो की फीमेल है, इसके माशाल्लाह बच्चा निकल आया है, ये देख सकते हैं आप, इसकी भी हेल्थिंग स्टार्ट हो गई है, ये देखें नज़र आ रहा होगा, ये स्प्लिट इनो की फीमेल है, और उसके साथ साथ ये सामने जो खड़ा हुआ है ये मेल है इसका। एक ये प्यार है माशाल्लाह, इसके बाद भी मैंने बच्चे शिफ्ट किए हैं, एक बच्चा इसका अपना है और एक बच्चा जो मैंने आपको दिखाया ना स्प्लिट इनो, इसमें हम बता दें तो ये बच्चा है ना, ये देखें, ये स्प्लिट इनो का बच्चा है, अल्बाइनो स्प्लिट इनो का, और एक फिशरी इसका अपना बच्चा है, इसके नीचे दो बच्चे रखे हुए हैं। और ये बच्चा जो है ना, ये वो वाले बॉक्स का है जो अल्बाइनो टू अल्बाइनो ब्लैक आइज जो लगा हुआ है ना स्प्लिट इनो का, उसका बच्चा है। ठीक है, अब हमारे यहाँ आए हैं इधर नीचे, ये हमारा ब्लैक मास का पेयर है, इसने अंडे ख़राब कर दिए हैं, सारे बिखरे हुए अंडे हैं, देख रहे हो, इसका एक बच्चा निकला था वो मैंने शिफ्ट कर दिया था,
मैं चल आज ये देख रहा हूँ ये बच्चे भी बाहर निकल गए। अब ये मैं सोचा डेकिनो है लेकिन ये डेकिनो नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि इसके दुम ना थोड़ी सी नीला बना रहा है इसके दुम पे। अब ये डेकिनो है या क्या है ये तो पता नहीं है, या मुझे ना ये वो लग रहा है ये देखो ये जो बच्चा है ना ये बच्चा थोड़ा चेंज लग रहा है, पेस्टल लग रहा है। दो बच्चे के अंदर बैठे हैं, एक पार ब्लू और एक फिशरी है, ठीक है, और एक पेयर ये है, ये दोनों स्प्लिट है। ये जब मुझे ब्रीड देते हैं ना ये पेयर, ये वाला पेयर, ये वरना बच्चे देते हैं तो सारे के सारे अल्बाइनो देता है, लेकिन कभी कभी जो ब्रीड निकालता है वो सारे के सारे निकलते हैं फिशरी। इनका कोई दीन ईमान नहीं है। एक पेयर ये हो जाता है, ये मेरे कॉमन लोटिनों का पेयर है, इसने भी कुछ भी नहीं दिया, पहले अंडे दिए ख़राब हो गए। ये ऑफलाइन स्प्लिट तीनों का मेल है और इसके बच्चे सारे लंगड़े हो गए, टांगे टेढ़ी हैं सारों की। बच्चे बड़े तो हो गए लेकिन टांगों में मसला है इनके, सारे लंगड़े हैं, ये देख सकते हैं सारों की टांगों का बड़ा मसला है। देखते हैं इसके साथ साथ फिर एक पेयर ये हो गया, इसने कह दिया है कुछ नज़र आया कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंडे ही अंडे हैं, फिर कुछ अंडे ख़राब होते हैं कुछ सही होते हैं। इसमें मैंने ये बच्चे शिफ्ट किए हैं, ये एक बच्चा जो शिफ्ट मैंने किया था ये किया है पार ब्लू येलो चेस जो है उसका, जिसके अंडे ज़्यादा ख़राब है, एक बच्चा उसका एक बच्चा उसका अपना है, ये माँ बाप है इसके, ठीक है। इसने अभी अंडे दिए हैं, तीन अंडे बड़े हैं लेकिन लगता है ख़राब ना हो जाए, क्योंकि डेड इंसिल का बड़ा ख़तरा है इसमें चार अंडे, और एक हो गया ये देख रहा हूँ इसका कलर देखें, बाकी रह गए ये ऊपर वाले, इसके अंडे हैं, ठीक है, इसके अंडे ख़राब हो गए, इसको ज़ख्म हो गया है पता नहीं क्यों, इसका मुझे नहीं पता चला क्या हो गया, इसको ज़ख्म क्यों हुआ है, किसने मारा है, इसको अभी हमें फायोडिन वगैरह लगानी पड़ेगी, तो वो इंशाल्लाह पकड़ते हैं इसको देखते हैं। और ये दोनों बाहर निकले हुए हैं, इनको भी किसी ने मारा है, देखो नाखून खून निकल रहा है। बाकी उसके बच्चे बड़े हो गए थे वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, वो भी दिखाते थे यार, एक मिनट ये रखते हैं इसको यहाँ पे, ये कुर्सी उठाता हूँ करते हैं ऊपर, ये देखिए इसके लिए कुछ दिनों में बाहर निकलेंगे, ठीक है। ये अंडे ख़राब कर देता है समझ में नहीं आता, क्योंकि इसमें अभी तक मुझे एक ही वीडियो नहीं दी, अंडे तो आने शुरू हो जाते हैं लेकिन ये फिर तो अंडे ख़राब कर देता है, समझ नहीं आती इसकी, ठीक है। और ये ऑफलाइन का जो पेयर है ये देखें, ग्रीन फिशर और ऑफलाइन का पेयर है, इसका बच्चा हो रहा जो मेल निकला है, ठीक है। इसको देखते हैं क्या है, इसके भी अंडे हमारे चला है, देखें ये भी अंडे आए हैं, तो देखते हैं क्या है, इसको देखो बड़ा जख्म हो गया, देखो समझ नहीं आ रही इसकी क्या हो गया इसको, चलो। और ये पार ब्लू का सिंपल पेयर है, ठीक है, इसको भी दिखा देते हैं क्या है इसके अंदर, तो ये थी आज की ब्लॉगर। मैंने आपको सारे अपने बर्ड दिखा दिए, माशाल्लाह जो बच्चे हेल्प हुए ना, ये सारे बच्चे, ये बच्चे हो गए और ये बच्चे सारे बच्चे हैं, ये सारे बच्चे हेल्प हो चुके हैं, तो ये बच्चे अभी सेल हो चुके हैं, ये नहीं है कि यहाँ पे बड़े हैं, माशाल्लाह सेल हो चुके हैं। तो देखते हैं
इंशाल्लाह आज की ये वीडियो थी, क्योंकि मैं सोचा कि मैं प्रोग्रेस दिखा दूँ और देखते हैं क्या होता है। इस महीने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करेंगे तो और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो इंशाल्लाह आपको शेयर करेंगे। और इंशाल्लाह अब 2024 हर महीने का अच्छा गुजारे अल्लाह, क्योंकि जो गुजर गया गुजर गया, हर गुजरा हुआ दिन आने वाले दिन से अच्छा ही होता है। तो ये दुआ है कि आपको नया साल आपको हर खुशियाँ दे, आप खुश रहें और हमें भी सपोर्ट करते रहें ताकि हम भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।